आज हम बनाएंगे अमचूर से मीठी चटनी, जो गोलगप्पे वाले भैया के पास में मिलती है, ये वही चटनी है। इसे अमचूर पाउडर से बनाया जाता है, इसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 50 ग्राम अमचूर लिया है। इसके लिए हमने 225 या 250 ml पानी लेंगे। जितना भी अमचूर लिया है उससे 4-5 गुना पानी लेना हमें। हम इसमें 50 ग्राम अमचूर पाउडर डाला हमने और इसको चलाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, नहीं तो गांठे बन जाएंगे इसकी। और उसको चलाते रहेंगे, धोकर फिर इसमें बाकी चीजें डालेंगे। अब इसमें बॉयल आ गया है और अच्छी तरह से मिक्स भी हो गई है। अब इसमें हम गुड़ डाल देते हैं। ये मैंने 100 ग्राम गुड़ लिया है। इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने तक पका लेते हैं। ये गुड़ हमारा मिक्स हो गया अच्छी तरह से। इसमें ये मैंने 2-3 चम्मच चीनी डाली है। हमने 1 चम्मच काला नमक लिया है। ये भुना जीरा लिया है 1 चम्मच। ये 1/2 चम्मच गरम मसाला है। ये 1 चम्मच सौंफ पाउडर लिया है, जो सूखी अदरक होती है उसका पाउडर। थोड़ा सा सिंपल नमक लिया है और फिर को थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। ये चाट गोलगप्पे वगैरह के लिए जो चटनी होती है वो यही होती है। इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे हम अच्छी तरह से। इसको हमने गाढ़ा कर देना है अच्छे से। टेस्ट करके इसकी चीनी चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो वो डाल सकते हो। खाली गुड़ में बनानी है तो गुड़ में बना सकते हैं। मैंने थोड़ी चीनी डाली है, और खाली चीनी में बनानी तो चीनी में भी बना सकते हो। गुड़ से कलर और थोड़ा सा टेस्ट में फर्क होगा, इसलिए गुड़ डालें। और वैसे भी गुड़ हेल्दी होता है। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है ये, अब ठंडी होने पर और गाढ़ी हो जाएगी। 1-2 मिनट और पकाएंगे हम इसके, थोड़ा सा वापस कम हो जाए। ये देखिए बिल्कुल हमारी चटनी हो गई है तैयार। इसमें हम थोड़े से खरबूजे के बीज डालेंगे, जो बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। आपको अगर इसमें खजूर वगैरह डाल के बनानी है तो खजूर डाल के भी बना सकते हैं।
ये मैंने खरबूजे के बीज डाले इसमें, और ये थोड़ी सी मैं सौंफ डालूंगी, बिल्कुल जरा सी। आप चाहें तो इसमें ठंडी होने के बाद कच्चे केले जो डाल सकते हैं, पतले पतले, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए बिल्कुल तैयार है ये, मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये हमारी अमचूर पाउडर की चटनी बिल्कुल तैयार है। इसमें ठंडा होने के बाद इसमें केले के स्लाइसेस डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी चटनी, इसको चाट वगैरह के साथ किसी के साथ भी आप खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू।